दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा चार्ल्स स्लैम का एक ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। रेवरी का मतलब होता है दिन में देखा हुआ सपना। दोस्तों इस ऐसे के अंदर चार्ल्स स्लैम ने एक ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बताया है, एक ड्रीम वर्ल्ड के बारे में लिखा है जिसमें वो अपने दो बच्चों एलिस और जॉन, एलिस तो लड़की है और जॉन लड़का है, तो अपने दो बच्चों को अपनी बचपन की कहानी सुनाता है। अपने भाई जॉन लैम, हाँ इसके भाई का नाम भी जॉन है तो कंफ्यूज मत होना, बेटे का नाम भी जॉन है और भाई का नाम भी जॉन है, अपने भाई जॉन लैम और अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में। इन दोनों बच्चों एलिस और जॉन ने अपने फादर चार्ल्स लैम की ग्रेट ग्रैंड मदर को कभी नहीं देखा था। चार्ल्स लैम इन बच्चों को उनकी कहानी सुनाता है। लैम की ग्रेट ग्रैंड मदर का घर बहुत बड़ा था नॉरफॉल्क में, और वो घर इस घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा था। जिस घर में ये बच्चे और चार्ल्स लैम रह रहे हैं, इस घर से वो घर 100 गुना बड़ा था, और 100 गुना ज्यादा बड़े घर का कनेक्शन किसी एक हॉरिबल एपिसोड से था, कोई डरावना एपिसोड। एक लकड़ी की चिमनी थी इस घर में, जिसे इस घर के ऑनर ने मार्बल की चिमनी में बदल दिया, क्योंकि उस वक्त मार्बल का बहुत ज्यादा चलन हो रहा था, और उसने उस लकड़ी की चिमनी को मार्बल की चिमनी में इसलिए बदला क्योंकि उस पर एक ट्रेजिक स्टोरी का शिलालेख लिखा हुआ था, इसलिए उसे मार्बल से रिप्लेस करवा दिया उस घर के ऑनर ने, और उस ऑनर का नाम था रॉबिन रेडब्रेस्ट। इस बात पर लैम की बेटी एलिस चिढ़ सी गई और बोली कि कितना गलत किया उसने। तो अभी फिलहाल उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर वहां पे रह रही थी, और उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर कितनी अच्छी और रिलीजियस महिला थी लैम उन बच्चों को बताता है, जिसका नाम फील्ड था। लैम की ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम फील्ड था। सभी उन्हें प्यार करते थे और कितनी रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन वो असलियत में उस घर की मालकिन नहीं थी, उस बड़े घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि उन्हें तो इस घर की देखरेख करने के लिए रखा गया था इस घर के असल मालिक ने। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि वो एकदम मालकिन की तरह ही रहती थी। इस घर का असली ऑनर तो अपने नए और ज्यादा फैशनेबल घर में रह रहा था, जो उसने पास ही की एक कंट्री में खरीदा था, लेकिन लैम की ग्रेट ग्रैंड मदर तो वहां ऐसे ही रहती थी जैसे वो घर उन्हीं का हो। उस घर का ऑनर अपना बहुत सारा सामान अपने नए घर में ले गया था। इस पर लैम के बेटे जॉन ने स्माइल किया और बोला, दैट वुड बी फुलिश इंडीड। उसके बाद लैम ने अपने दोनों बच्चों को बताया कि जब उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, तब उनकी अंतिम यात्रा में, उनके फिनरल में कितने सारे गरीब लोगों की भीड़ थी। कुछ जेंटलमैन लोग भी थे, क्योंकि सब लोग उन्हें जानते थे, वो एक बहुत ही गुड नेचर्ड और रिलीजियस महिला थी। लैम अपने दोनों बच्चों को बताता है कि हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर एक बहुत ही सम्मानित बेस्ट डांसर भी थी। इस पर लैम की बेटी एलिस बोलती है कि द बेस्ट डांसर। एलिस अपना पैर हिला रही थी और लैम उसे देख रहा था। यहां पर लैम अपने बच्चों को बताता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर को कैंसर था, जिसका दर्द उन्हें अपने साथ ले गया, लेकिन उनकी गुड स्पिरिट्स को नहीं ले जा सका, न ही उन्हें झुका सका, और वो अभी भी सीधी खड़ी हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी और रिलीजियस महिला थी। वो अपने बड़े से घर के बड़े से कमरे में अकेली ही सोया करती थी, और वो बताती थी कि उनके बेड के पास में दो बच्चों की प्रेत आत्मा उन्हें दिखती थी, लेकिन वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लैम बोलता है कि लेकिन मैं इस चीज से बड़ा डरा करता था, इसलिए मैं मेड के साथ सो जाता था, क्योंकि मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर जितना रिलीजियस नहीं था, और मैंने आज तक उन प्रेत आत्माओं को नहीं देखा है। इस पर लैम का बेटा जॉन अपनी आईब्रोज को फैलाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना निडर है। लैम बोलता है कि वो कितनी अच्छी थी, हम लोग उनके पास हॉलीडेज पर जाया करते थे, जहां मैं तो अपना आधा टाइम 12 सीजर्स की पुरानी मूर्तियों को देखने में लगाया करता था, जो कि कभी रोम के एम्परर थे। ऐसे लगता था जैसे वो अभी जिंदा हो जाएंगे या फिर मैं उनके जैसा हो जाऊंगा। आगे लैम अपने बच्चों को बताता है कि वो किस तरह वहां अपने गार्डन्स में घूमता था, वहीं लेट जाया करता था, धूप सेकता था, अपने चारों तरफ गार्डन की स्मेल, उसके चारों तरफ गार्डन महकता था तो वो स्मेल वो लेता था, और फिर वो एक फिश पाउंड के बारे में बताता है। फिश पाउंड का मतलब समझते हो, जिसमें फिश तैरती है, उसके बारे में बताता है और काफी चीजों के बारे में बताता है। तभी वो देखता है कि उसका बेटा जॉन चुपचाप अपने पीछे पड़ी प्लेट में से ग्रेप्स उठा रहा है, जिन ग्रेप्स को, अंगूरों को
वो दोनों भाई बहन आपस में बांट लेते हैं और उनका ध्यान वहीं लग जाता है। तब लैम अपनी ऊंची आवाज में उन लोगों को अपनी बात बोलता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन से बराबर प्रेम करती थी, लेकिन वो स्पेशली लैम के बड़े भाई जॉन को ज्यादा पसंद करती थी। लैम कहता है कि वो इसलिए करती थी क्योंकि वो हम सब में सबसे बहादुर और हैंडसम था, हम सब में एक तरह से राजा की तरह था। वो हम सब की तरह किसी अकेले कोने में उदास सा नहीं बैठा रहता था, बल्कि हॉर्स राइडिंग करता था और भी बहुत सारे काम करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उतना ज्यादा ज्यादा ब्रेव और हैंडसम होता गया। सब उसकी बहुत तारीफें करते थे। वो मुझे अपने कंधे पर बैठा करके ले जाया करता था क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहा करता था, इसलिए मैं ज्यादा चल नहीं सकता था। इसके बाद लैम अपने बच्चों को बताता है कि किस तरह से उसके भाई जॉन की डेथ हुई थी और भी बहुत कुछ, और वो चाहता है कि उसका भाई उसके पास वापस आ जाए और वो पहले की तरह आपस में लड़े। तब उसके बच्चे उससे कहते हैं कि अब उन्हें उनके अंकल के बारे में और नहीं सुनना, वो और नहीं सुन सकते, बल्कि लैम अब उन्हें उनकी माँ जो कि मर चुकी है उसके बारे में बताए। तब लैम अपने बच्चों को उनकी प्रिटी मदर के बारे में बताता है। उनकी मदर का नाम था एलिस, जिसके पीछे लैम 7 साल तक एक होप में, एक आशा में रहा। जितना लैम के बच्चे समझ सकते थे उतना लैम ने उन्हें उनकी माँ की कॉयनेस और डिफिकल्टी के बारे में बताया। और फिर लैम अपनी खुद की बेटी एलिस में अपनी वाइफ की छवि देखने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे उससे दूर हो रहे थे, लैम से दूर हो रहे थे वो बच्चे। धीरे धीरे वो लोग दूर जा रहे थे, धुंधले हो रहे थे। उन्हें देख करके लग रहा था जैसे वो कह रहे हो कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हम ना तुम्हारे बच्चे हैं ना एलिस के बच्चे हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ एक ड्रीम हैं। तब इमीडिएटली चार्ल्स लैम की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि वो खुद एक चेयर पे बैठा है चुपचाप, और ब्रिजिट जो उसकी सिस्टर थी वो उसके साइड में बैठी थी, और वो एक सपना देख रहा था। और जो उसका भाई था जॉन, वो तो हमेशा के लिए जा चुका था। चार्ल्स लैम एक सपना देख रहा था और अभी वो इस सपने से जाग चुका है, और हमारा ऐसे यहीं खत्म होता है।